Assalamualaikum dear students and viewers, how do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone, and thanks a lot my dear students, viewers, my family members, you are liking and supporting my channel Knowledge for Everyone. If you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel and bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई video की notification सबसे पहले मिल सके. Today I brought for you another interesting topic. It is my topic is about prefix. Today I am going to teach you about prefix. What is prefix? Prefix. Prefix होते क्या हैं? Prefix a word, letter or number. A word, letter और नंबर बिफोर अनदर वर्ड प्रीफिक्स होते क्या हैं? लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मैं आपको बताऊं कि प्रीफिक्स क्या होते हैं. प्रीफिक्स जो होते हैं वो एक वर्ड, लेटर या नंबर जो भी हो, किसी भी वर्ड से पहले आप लगा देते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है और ये प्रीफिक्सेस हो जाते हैं. जैसे सपोज हम नंबर वन में स्टार्ट करती हूँ री से. री जो है वो एक प्रीफिक्स है. इसमें आप बहुत सारे वर्ड्स को ज्वाइन करके जब आप लिखते हैं तो एक नया वर्ड बन जाता है. जैसे सपोज रीप्ले, री मीन्स, क्या होता है? री का मतलब फिर से. री फिर से यानी दोबारा से, या फिर से, यानी किसी भी काम को आप फिर से करें या दोबारा से करें. तो नंबर वन हमारा वर्ड क्या है? रीप्ले, यानी दोबारा से इसको प्ले करें. रीप्ले एक पूरा वर्ड बन गया. इसमें हम क्या कहते हैं? रीप्ले. रीप्ले मीन्स दोबारा से चलाना. यानी किसी भी आप वीडियो देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं इसको दोबारा रीप्ले करें, दोबारा चलाएं, दोबारा चलाना रीप्ले. रीप्ले मीन्स आप फिर से किसी चीज़ को दोबारा से चलाना, या आप वीडियो देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो हम कहते हैं इसको रीप्ले करें, फिर से देखना है, रीप्ले. रीजॉइन, रीजॉइन मीन्स दोबारा से, ज्वाइन करना. रीजॉइन मीन्स फिर से ज्वाइन करना, यानी कोई कंपनी ज्वाइन करना. आपने अगर कोई कंपनी या ऑफिस छोड़ दिया, उसको फिर दोबारा रीजॉइन करना, यानी फिर से दोबारा से मिल जाना या रीजॉइन कर लेना या कनेक्टेड हो जाना. मिल जाना या फिर से आप कनेक्टेड हो जाते हैं ना किसी कंपनी के साथ, किसी ऑफिस वालों के साथ, फिर से दोबारा से आप अपना रिकनेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से जोड़ लेते हैं अपने आप को. रीजॉइन, दोबारा जोड़ लेना, रीजॉइन कर लेना, फिर से जुड़ जाना उस चीज़ के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी ऑफिस, अगर आपने ऑफिस छोड़ दिया है, स्कूल छोड़ दिया, आपने रीजॉइन कर लिया, यानी फिर से ज्वाइन कर लिया, फिर से आप उससे कनेक्टेड हो गए. द नेक्स्ट वर्ड इज़ रीयूनियन, रीयूनियन मीन्स दोबारा से मुत्तहिद हो जाना, फिर से मुत्तहिद होना, यानी रीयूनियन हो जाना, रीयूनियन कर लेना, यानी आप फिर से दोबारा से रीयूनियन में आ गए, यानी मुत्तहिद हो गए हैं, फिर से जुड़ गए हैं एक साथ. रीयूनियन फिर से, री मीन्स फिर से हो जाना या दोबारा से, रीयूनियन हो जाना, मुत्तहिद हो जाना. रीट्राई आप एक पूरे वर्ड को आप लिख लेंगे, रीट्राई. ट्राई मीन्स कोशिश करना, रीट्राई मीन्स फिर से कोशिश करना, दोबारा से कोशिश करना, फिर से कोशिश करना, रीट्राई दोबारा से कोशिश करना, यानी डू अगेन एंड अगेन, बार बार करें, बार बार ट्राई अगेन एंड अगेन. तो आप बार बार कोशिश करने से क्या होगा? फिर दोबारा आपको सक्सेस मिल जाएगी.
refresh, 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 फिर से ताज़ा दम हो जाना, refresh, refresh करना, जैसे आप मोबाइल को या कंप्यूटर को refresh करते हैं, या आप refresh हो जाते हैं दोबारा से, या ब्रेक होता है, जैसे गेम्स में ब्रेक होता है, फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो रिफ्रेश होके आते हैं, फिर से ताज़ा दम होके आते हैं, फिर से ताज़ा दम होना, रिफ्रेश मीन्स फिर से ताज़ा दम हो जाना, यानी आप या खिलाड़ियों के लिए गेम्स में आप कहते हैं ना रिफ्रेश हो गए, दोबारा से ब्रेक मिला, ब्रेक के बाद आप फिर से रिफ्रेश हो जाना, ताज़ा दम हो जाना। रिटर्न, रिटर्न, टी यू आर एन, टर्न, रिटर्न मीन्स फिर से वापस पलटना, री फिर से, टर्न मीन्स वापस पलटना, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न मीन्स फिर से वापस होना, फिर से वापस होना, रिटर्न यानी कहीं से वापस लौट के आना, रिटर्न हो जाना, वापस लौट के आ जाना, रिटर्न कहते हैं फिर से वापस होना या लौट के आ जाना। रीअरेंज, 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 री, रीअरेंज, अरेंज मीन्स तरतीब देना, रीअरेंज फिर से तरतीब देना, रीअरेंज, रीअरेंज फिर से तरतीब देना, किसी चीज़ को दोबारा से तरतीब से रखना, फिर से तरतीब देना, यानी रीअरेंज फिर से तरतीब देना, फिर से दोबारा से तरतीब से रखना। रिसर्च, 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 सर्च करना यानी किसी चीज़ की छानबीन, छानबीन करना, और रिसर्च फिर दोबारा से आप अच्छी तरह उस पर गौर फिक्र करें, रिसर्च दोबारा से तहकीक करना किसी बात के बारे में, किसी किसी किताब पर रिसर्च करें, किसी टॉपिक पर सर्च करें, रिसर्च करें, फिर से तहकीक करना, रिसर्च करना, फिर से तहकीक करना। नंबर 9, रीचेक, 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 रीचेक करना यानी आप कोई काम चेक करते हैं या कॉपीज चेक करते हैं, उसको दोबारा रीचेकिंग के लिए देते हैं, रीचेक करवाते हैं कि मिस्टेक्स तो नहीं है कहीं, कोई गलती, कोई कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो चेक नहीं करी हो सही तरह से, तो हम कहते हैं इसको रीचेक करें, फिर से चेक करना, रीचेक, फिर से रीचेक करना यानी दोबारा से रीचेक करना। चेक मीन्स जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं कि सही किया है, ये काम सही हुआ है नहीं हुआ है, तो हम कहते हैं रीचेक। रिमाइंड, 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 जैसे हम कहते हैं ना कोई बात भूल जाते हैं तो हम कहते हैं प्लीज़ हमें रिमाइंड करा देना, तो इसके लिए भी कहते हैं रिमाइंड, रिमाइंड करा देना, यानी रिमाइंड मीन्स फिर से याद दहानी करा देना, रिमाइंड फिर से या दोबारा से, फिर से याद दहानी कराना, रिमाइंड करा देना, या कोई चीज़ भूल ना जाए हमें, कोई याद दिला दे कि ये कुछ ऐसा काम रह गया है, तो आप इसे कहते हैं कि रिमाइंड करा देना, मुझे रिमाइंड करा देना, फिर से याद दहानी करा देना कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ। रिफॉर्म, रिफॉर्म यानी आप कहते हैं ना कि रिफॉर्म, फॉर्म मीन्स बनाना कोई चीज़, और रिफॉर्म फिर से बनाना, रिफॉर्म, रिफॉर्म करना यानी इस्लाहत करना या फिर से दोबारा से बनाना किसी चीज़ को, फिर से बनाना, रिफॉर्म करना या इस्लाहत नाफिस करना, फिर से बनाना, रिफॉर्म्स दोबारा से बनाना, तैयार करना, रिफॉर्म्स। रिफंड, रिफंड, एफ यू एन डी, रिफंड,
फंड जो होता है वो कलेक्शन ऑफ मनी, जैसे हम करते हैं कभी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई जलजला आ जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, तो हम कहते हैं रिफंड, यानी आप फंड जमा करें, कलेक्शन करें गरीबों के लिए, या लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हम कहते हैं फ़ंड कलेक्शन हो रही है, चंदा जमा हो रहा है। तो रिफ़ंड करना यानी जो कुछ भी जमा कलेक्शन हुआ है उसको दोबारा वापस करना, यानी जो भी कलेक्शन जमा है उसे फिर से वापस कर देना, वापस कर देना। यानी अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो और फिर आपको लॉस हो रहा हो तो हम कहते हैं इसमें रिफ़ंड हो जाएगा, यानी ये आपको फिर दोबारा से पैसे वापस मिल जाएंगे, आपके मनी कहीं जाएंगे नहीं बल्कि रिफ़ंड हो जाएंगे, फिर से वापस मिल जाना या रिफ़ंड हो जाना, यानी रिफ़ंड हो जाएंगे दोबारा से आपको वो जो पैसे आपने कलेक्शन किया है, पैसे जमा किए हैं या बैंक में जमा किए हैं दोबारा रिफ़ंड हो जाएंगे, या किसी को दिए हैं वो आपको फिर से मिल जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ़ंड। रीनेम, रीनेम नाम की तब्दीली, यानी फिर से दोबारा से नाम रखना। रिफंड, रीनेम, रीनेम, रीनेम मीन्स फिर से नाम देना, यानी फिर से नाम बदलना या फिर से नाम तब्दील करना। रीनेम यानी दोबारा से नाम रखना या दोबारा से नाम रखना। रीनेम यानी दोबारा से, फिर से नेम का मतलब नाम, रीनेम दोबारा से नाम देना किसी चीज़ को, आप दोबारा नाम देते हैं ना तो आप कहते हैं रीनेम, यानी दोबारा से फिर से इसको नया नाम दें। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने देखा कि प्रीफिक्स मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि प्रीफिक्स होते क्या हैं, सो आई विल रिपीट इट अगेन, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी इंटरेस्ट लेने की बात होती है, और अगर इंटरेस्ट लिया जाए किसी भी काम में तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। आज का मेरा टॉपिक था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो होते हैं वर्ड, लेटर और नंबर बिफोर अनदर वर्ड, जब आप उसके किसी भी वर्ड से पहले आप वो वर्ड लगा देते हैं, जैसे री मैंने अब लगाया, सारे जितने भी वर्ड्स हैं उससे पहले मैंने री लगा दिया तो ये प्रीफिक्स हो गया। रीप्ले दोबारा से चलाना, रीज्वाइन, रीज्वाइन मीन्स फिर से दोबारा से मिल जाना, कंपनी के साथ जुड़ जाना, या आप किसी चीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, दोबारा से कनेक्टेड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। रीयूनियन फिर से मुत्तहिद हो जाना, अगर कोई ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं दो मुल्कों के दरमियान, तो हम कहते हैं रीयूनियन हो गया, यानी फिर से मुत्तहिद हो गए। रीट्राई फिर से कोशिश करना, रीफ्रेश फिर से ताज़ादम होना, रिटर्न फिर से वापस मुड़ जाना या टर्न हो जाना, वापस हो जाना। रीअरेंज फिर से तरतीब देना, रिसर्च फिर से उसके बारे में दोबारा से रिसर्च करें, तहकीक करें कि आया ये सही है क्या है, इसके बारे में डिटेल लेकर आएं। रीचेक फिर से चेक करना, यानी कुछ कमी बेशी या कुछ ख़राबी है, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, उसको फिर से रीचेक करें, कहीं नंबर्स की मिस्टेक तो नहीं है या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक, फिर से रीचेक करें। रिमाइंड फिर से याद दहानी कराना, रिफॉर्म फिर से कुछ बनाना, नए नए चीज़ फिर तैयार करना, रिफंड फिर से वापस कर देना, यानी फ़ंड कलेक्शन ऑफ मनी, यानी रिफंड फ़ंड के लिए कलेक्शन ऑफ मनी, चंदा जमा करना, फिर से वापस मिल जाना रिफ़ंड, फिर से पैसे वापस हो जाना। रीनेम फिर से नाम तब्दील कर देना, यानी दोबारा रख देना। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आज का आपका जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड मीट यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।